मैं कितनी देर से यहाँ पे वेट कर रही हूँ, तुमने समझा क्या है अपने आप को? लिसन, मुझे मेरा पैसा 5 मिनट के अंदर चाहिए, समझे? नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। गौरी, समीर का क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बता दो। समीर, समीर, मनन, क्या हुआ? समीर, प्रियंका का स्नोमो। व्हाट? हाँ, वो कल रात को उसकी बॉडी उसकी गाड़ी के पास मिली, फॉरेस्ट रोड पे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो वहाँ उस वक्त कर क्या रही थी। आर यू श्योर वो उसी की बॉडी थी? वो प्रियंका ही थी? ऑफ कोर्स समीर, इनफैक्ट वो लोग कह रहे हैं कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। ओह माय गॉड, कहीं वही प्रियंका तो नहीं है जो तुम्हारे ऑफिस में सेक्रेटरी का काम करती थी? वही है। जरूर उसने कुछ ना कुछ कांड किया होगा, मुझे तो उसके ऊपर पहले से ही शक था। गौरी, आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट छानबीन चल रही है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि शायद एक्सीडेंट हो सकता है। मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ,
समीर तुम भी साथ में चलो। ठीक है। समीर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। It's okay, I'll manage. पर समीर अपना ध्यान रखना। चल तो रिलैक्स कर, टेंशन मत ले। हाँ मैं कल मिलता हूँ तुझे। गुड नाइट। समीर आ गए तुम? क्या हुआ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ हाँ ठीक है। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गौरी मुझे लगता है कि प्रियंका की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। मतलब ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी ने मारा है? प्लीज छोड़ो ना ये सब बातें, वो तो थी ऐसी। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है चल। बाबा डर क्यों गए? और तुम अभी तो फ्रेश भी नहीं हुए, जाओ जाके फ्रेश हो करो। समीर
इतनी रात को कौन होगा? कौन है वहां? मैंने कहा कौन है? कौन है वहां? कोई है? कौन है? तुम भी मरोगे। कोई नहीं बचेगा, एक एक करके सब मरोगे। मेरे कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज मेरे कुछ नहीं किया, मुझे बता दो। भागो, बच सकते हो तो बचो। समीर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, क्या हुआ तुम्हें? कौन कौन प्रियंका है? वहाँ प्रियंका है, वहाँ प्रियंका है, वो मुझे मार देगी, उससे बोला मुझे मार देगी, मैं भी मर जाऊंगा उससे, मुझे मैं मरना नहीं चाहता। प्रियंका, मैं मरना नहीं चाहता। कोई नहीं है वहाँ पर, उठो उठो उठो, कोई भी नहीं है वहाँ पर, उठो। देखो कोई भी नहीं है वहाँ पर। वो यही थी, उसका सारे आता, उसका सारे आता, उसकी बॉडी आती, खून खून था, समीर यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो यही थे, गौरी वो यही थे। समीर यहाँ पे कोई नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब है समीर, तुम्हें दवाई की जरूरत है। तुमने दवाई नहीं ली ना, तुम चल के दवाई लो। तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कोई नहीं यहाँ पे सब। यही यही है समीर, कुछ नहीं हुआ है समीर। मैंने देखा था उसे, वो यही थे। क्या कोई नहीं है? मैंने देखा था उसे। लो दवाई खाओ। समीर कुछ नहीं हुआ है, सोचा तुम्हें आराम की जरूरत है। ये दरवाजा तो मैंने बंद किया था, खुल कैसे गया?
कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां पर? क्या बात है मानन, इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं वो, हाँ नियति, आज मैंने समीर को प्रियंका की मौत के बारे में बताया तो पता नहीं क्यों इतना घबरा सके, हालत खराब हो गई उसकी। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे सामने उस इंसान का नाम मत लिया करो। नियति पर वो... क्या उसने जो हमारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी मनन। नियति, उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया वो हमारे लिए किया, मेरे लिए किया। आज अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो उसकी वजह से खड़ा हूं। अगर वो नहीं होता ना नियति तो वो नहीं होता तो हम बहुत खुश होते। कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? कितना नीच और गिरा हुआ इंसान है वो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? और अगर तुम्हें उसकी दोस्ती के फरेब में जीना है तो जियो, लेकिन मैं अपनी आंखों में पट्टी बांधकर नहीं जी सकती। गौरी, गौरी कहाँ चली गई? गौरी, 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 गौरी चली गई है। गौरी, गौरी, thank you.
गौरी 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 हेलो 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 मनन 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 घर आजा मनन घर आजा प्लीज प्लीज गौरी गौरी कौन है कौन है वहाँ विशाल नहीं नहीं मेरे पास नहीं नहीं समीर मनन मनन समीर मनन मनन मैंने उसे देखा किसे किसे देखा तुमने प्रियंका थी प्रियंका कैसे आ उसे काम तो मर जाएगी तू भाग जा क्या सब मर जाएंगे क्या समीर तुम क्या कह रहे हो जस्ट रिलैक्स काम डाउन किसने क्या बोला किसने बोला गोरी की लाश क्या गोरी की लाश गायब हो गई विशाल वापस आ गया वापस आ गया विशाल उसे मार दिया गौरी को मार दिया और प्रियंका को भी मार दिया अब हमारी बारी है वो हमें भी मार डालेगा हम भी नहीं बचेंगे मनन मनन को मार डालेगा हमारी बारी है मनन हम भी मर जाएंगे हमें भी मार डालेगा वो नियति रिलैक्स वो वापस आ गया है हम नहीं बचेंगे अब हमारा नंबर है हम दोनों मर जाएंगे नियति जस्ट रिलैक्स जस्ट काम डाउन तुम्हारा क्या मतलब है वो हमें मार डालेगा दैट्स इम्पॉसिबल पर तुम भी समीर की बातों में आ गए गौरी को मार डाला प्रियंका को मार डाला अब हमारी बारी है हम भी मर जाएंगे हम भी मर जाएंगे मनन हम भी मर जाएंगे तुम्हें याद नहीं है जब हम गौरी की बॉडी को देखने गए थे स्विमिंग पूल के पास उसकी बॉडी नहीं थी तो कहाँ गई थी उसकी बॉडी बताओ ना मनन कहाँ चली गई और प्रियंका प्रियंका कैसे मरी किसी का भी एक्सीडेंट ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी धड़ से गर्दन अलग हो जाए बताओ ना ऐसा कैसा एक्सीडेंट था वो कैसे मरी वो ये सब विशाल ने किया है विशाल ने किया है समीर समीर बार बार विशाल का नाम ले रहा है ना समीर का दिमाग खराब हो गया अरे उसकी पहले से ही तबीयत खराब थी और अरे गौरी के डिसअपीयरेंस के बाद तुमने देखा ना तुम्हारे सामने से कैसे भागा था चलो ठीक है एक मिनट के लिए समीर की बात मान लेते हैं कि तुमने इतना भी सोचा है कि विशाल उन दोनों को क्यों मारेगा अरे यार कोई आई मीन दिस इज जस्ट रिडिकुलस कोई ना कोई तो रीजन होगा ना मारने का कुछ तो है मनन मनन कुछ है जो तुम नहीं देख रहे हो कुछ है समीर बार बार विशाल का ही नाम क्यों ले रहा था विशाल वापस आ गया वो इस बात का जवाब सिर्फ समीर के पास है सॉरी गौरी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया आई एम रियली सॉरी नहीं मुझे कुछ नहीं होगा मुझे कुछ नहीं होगा मैं नहीं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा मैं खुद को बचा लूंगा मैं तो क्या होगा कहीं मुझे कुछ नहीं होगा अरे भाई साहब हटिए आप हटेंगे आगे से भाई साहब हटिए आगे से अरे कौन है यार Yeah.
विशाल माउस में छुप जाता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। झूठ मत बोल, मैं सच जानता हूं। गौरी, अब तक हमने जो कुछ भी प्लान किया है उसको पूरा करने का वक्त आ गया। वाओ, इसका मतलब कंपनी में विशाल और मनन से ज्यादा शेयर्स तुम्हारे होंगे, राइट?
हमारे। लेकिन कैसे? बहुत सिंपल है, मैं मनन के दिमाग में ये शक पैदा करूंगा कि विशाल और नियति के बीच में कुछ चल रहा है। विशाल अपने आप रास्ते से हट जाएगा। वाओ, पर कैसे? मैं मनन को इतना भड़का दूंगा कि वो विशाल को हमारे रास्ते से हटा देगा, और मनन को किस तरह चलाना है ये हम डिसाइड करेंगे। What a brilliant idea, right? प्रियंका, हम लोग कुछ और बात, तुम समझ नहीं रही हो। You know, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं स्टोरी में कहाँ हूँ? और अगर मैं हूँ तो मेरा ख्याल भी तो रखना चाहिए। प्रियंका, ये आता रहेगा ना रेगुलरली, लेकिन मुंह बंद रखोगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। देखा नहीं आती, कहा था ना मैंने, चलो चलो। प्लीज, ये नहीं हो सकता, ये उसने किया है, और अब हम दोनों भी नहीं बचेंगे, हम दोनों भी मर जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, वो तुम्हें मार देगा, कोई यहाँ से बच के नहीं जा सकता। चलो यहाँ से, सब के सब मारे जाओगे, कोई यहाँ से नहीं भाग सकता। बैठो, चलो। Come on, come on। मनन, गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? I don't know, I'm fine। मनन, जल्दी करो प्लीज। मनन, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही गाड़ी? गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? कोई नहीं बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मनन, तुम सब मर जाओगे। ये हमें मार देंगे मनन। जल्दी करो मनन। कोई नहीं बच सकता, तुम सब मरोगे, सबके सब मरोगे। मार डालेगा।
तेज चलाओ मनन, मनन तेज चलाओ। I'm really sorry, मैंने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया, पर ऐसा हो कैसे सकता है? प्रियंका की बॉडी और उसका सर, I just can't believe it। मनन, हमने ये शहर ही छोड़ देंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अरे अब यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम अब अभी यहाँ से निकल जाएंगे, एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। मैं करो गाड़ी को। कोई नहीं बचेगा, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। मनन गाड़ी बैक करो मनन। वो तुम सबको मार देगा, मार देगा वो सबको। उसकी बॉडी पीछे, गाड़ी आगे ले। तू ठीक हो? नियति, हाँ, नियति, 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 प्लीज देखो, मेरी बात सुनो। देखो प्लीज विशाल, प्लीज माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया विशाल वो नियति के लिए किया। मुझे समीर ने बोला कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। Hey guys, खाना नहीं खाना है क्या? भूख लगी है? मुझे तो बहुत लग रही है। चलो मैं प्लेट लगा दूँ। भूख तो बहुत लगी है। Wait, I help you. अरे it's okay. अरे मैं कर लूँगी। I help you. Just one second, I'll just come. Yeah. बकवास नहीं कर रहा हूँ। थोड़े दिन पहले गौरी पे लाइन मार रहा था, साइड में ले जाके समझाया मैंने, तेरा खास दोस्त हूँ इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। अभी सिचुएशन तेरे हाथ में है, संभाल ले, नहीं तो लेट हो जाएगा। वो देख, देख कैसे हंस रहा है वो, देख यार, किसी और की बीवी को कोई ऐसे हाथ लगाता है? कुछ नहीं किया था मैंने। देखो समीर ने मुझे भड़काया था, क्या करता मैं? मैंने जब तुम्हें मेरे घर से बाहर निकलते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। अब मुझे बताएगा कि मेरे घर के बाहर कर क्या रहे हैं हम लोग? थोड़ी देर वेट कर, जब कुछ दिखेगा तो सब समझ में आएगा। समीर, विशाल, ये साले कमीने क्या कर रहा था मेरे घर में? अरे क्या कर रहा था? अरे पागल हो गया क्या? हाँ मैं पागल हो गया, मेरे घर पे क्या कर रहा था तू? अरे यार मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो मैं यार मीटिंग कैंसिल हो गई थी। कम ऑन विशाल, विशाल, I'm so sorry। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। विशाल, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था विशाल, प्लीज। जो कुछ भी हुआ उसका इन्हें पछतावा है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ विशाल। दोस्त था वो मेरा, पार्टनर था, भरोसा नहीं था उसको मुझ पर। तो मैं वहां मरा हुआ देख के मैं डर गया था। मैंने समीर को फोन किया तो उसने मुझे एक शर्त पे हेल्प की कि तुम्हारा शेयर और मेरा शेयर मैं उसे दे दूं। विशाल मैं करता तो क्या करता,
गलती हो गई विशाल, प्लीज। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। विशाल विशाल नहीं, प्लीज